नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। नई उड्डयन नीति को केंद्र सरकार की मंजूरी। सरकार ने देश के विमानन उद्योग को दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचाने के उद्देश्य से बुधवार को नई राष्ट्रीय उड्डयन नीति को मंजूरी दे दी। क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत क्षेत्रीय हवाई अड्डों के बीच एक घंटे तक की उड़ान के लिए सभी शुल्कों तथा करों समेत अधिकतम किराया 2500 रुपए करने का भी प्रावधान है, ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को रेल के बजाय विमान यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उल्लेखनीय है कि पिछले साल सरकार ने इस नीति का प्रारूप जारी किया था, जिस पर आम लोगों से राय मांगी गई थी। नई नीति में टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में भी इस उद्योग का विस्तार करने तथा हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। ट्रंप का ओबामा पर निशाना, कहा गोलीबारी करने वाले से ज्यादा मुझ पर नाराज हैं बराक। मुस्लिम विरोधी बयानों के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की, जिसके कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने जवाबी हमला करते हुए ओबामा को ऐसा घटिया राष्ट्रपति बताया जो ओरलैंडो में गोलीबारी करने वाले से ज्यादा रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप से नाराज हैं। इस स्तर पर गुस्सा उन्हें गोलीबारी करने वाले पर होना चाहिए था। उनके अनुसार इन हथियारों को नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे समक्ष कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद की समस्या है। लैटिन अमेरिका में मंदी, करोड़ों लोगों पर होगा असर। लैटिन अमेरिकी देशों में पिछले 15 साल में गरीबी से बाहर निकली आबादी में से एक तिहाई लोग इस क्षेत्र में आई मंदी के कारण फिर से इसकी चपेट में आ सकते हैं। ये बात संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कही गई। लैटिन अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मुख्य अर्थशास्त्री और रिपोर्ट के लेखक जॉर्ज ग्रे ने कहा कि हमारा अनुमान है कि आज करीब 2 से 3 करोड़ लोग अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं जो गरीबी की चपेट में आ सकते हैं। उन्होंने मंगलवार को यहां मीडिया के सामने रिपोर्ट जारी करने के मौके पर कहा कि इसका अर्थ ये है कि पिछले 15 साल में जो लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकले, उनमें से एक तिहाई लोग फिर से इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मुस्लिम धर्मगुरु को महंगी पड़ी टिप्पणी, छोड़ना पड़ा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक मुस्लिम धर्मगुरु ने समलैंगिकता के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद देश छोड़ दिया है। टिप्पणी को लेकर सरकार को उनके वीजा की समीक्षा करनी पड़ी। ब्रिटिश नागरिक फारूक सेकलेश्वर ने मंगलवार रात सिडनी हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉर्प से कहा कि मुस्लिम समुदाय से चर्चा करने के बाद उन्होंने जाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनसे देश छोड़ने के लिए नहीं कहा है। अप्रवासन और सीमा सुरक्षा मंत्री पीटर डुट्टो ने बुधवार को कहा कि उनका विभाग मुस्लिम धर्मगुरु का वीजा रद्द करता, इससे पहले उन्होंने मंगलवार रात देश छोड़ दिया। गृह मंत्रालय ने आरटीआई कार्यकर्ता से कहा, साबित करें कि आप भारतीय हैं। एक असामान्य घटना में गृह मंत्रालय ने इशरत जहां कथित फर्जी मुठभेड़ मामले से जुड़ी गुमशुदा फाइल से संबंधित मामले को देखने वाली एक सदस्यीय समिति का ब्यौरा जाहिर करने से पहले एक आरटीआई याचिकाकर्ता से ये साबित करने को कहा है कि वो भारतीय है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बीके प्रसाद जांच समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। मंत्रालय में दायर आरटीआई याचिका में समिति की ओर से पेश रिपोर्ट के प्रति के अलावा प्रसाद को दिए गए सेवा विस्तार से जुड़ी फाइल नोटिंग का ब्यौरा मांगा गया था। गौरतलब है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केवल भारतीय नागरिक ही सूचना मांग सकता है। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।